दोस्तों नमस्कार, कैरी ऑन फन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हो रहे हैं कि जो रोमांस की दुनिया का अपने जमाने में बेताब बादशाह हुआ करते थे। जी हाँ, जिनके रोमांस के किस्से हमारी निजी जीवन पर काफ़ी गहरी छाप छोड़ दिया करते थे और हम में से कई लोग तो आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को उनके साथ मिलाने की कोशिश भी करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर थे। जी हाँ, आप अभी तक मेरे ख्याल से नहीं समझे होंगे, रोमांस की दुनिया के बेताब बादशाह जिनको मैं कह रहा हूँ वो हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी को नहीं मिला और जब राजेश खन्ना अपने स्टारडम के पीक पर थे, जितनी हिट थी उनकी फिल्में और उतने ही हिट थे उनके रोमांस के किस्से। तो उन्हीं में से आज एक किस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कहते हैं कि राजेश खन्ना एक रोमानियत थे, जवां दिनों के धड़कन थे। उनके रोमांस के किस्से उनके को स्टार्स के साथ हमेशा जुड़ते रहते थे और इसी वजह से वो चर्चा में रहते थे। और उन दिनों में चर्चा थी डिंपल कपाड़िया के साथ जल्दबाजी में की गई शादी की। लेकिन इन तमाम बातों के बीच राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के इश्क की दास्तां कहीं खो सी जाती है, जिसमें कि मोहब्बत की कशिश थी और जीवन भर साथ निभाने का वादा भी था। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू के साथ 7 साल तक लिव इन में रहे। दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटेड थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। फैशन इंडस्ट्री की जानी मानी मॉडल अंजू यूं तो राजेश खन्ना की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने इकट्ठे पढ़ाई की, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। राजेश खन्ना अपने शुरुआती दिनों में संघर्ष करके अपना मुकाम ढूंढ रहे थे, वहीं अंजू एक कामयाब मॉडल थी। वहीं दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया, लेकिन जब राजेश खन्ना स्टारडम की तरफ बढ़ चले तो प्यार में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हाँ, शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया था। अंजू खुले विचारों की सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी, लेकिन राजेश खन्ना को शादी के लिए टिपिकल हाउसवाइफ चाहिए थी। राजेश खन्ना कहते थे कि अंजू के पास उनके लिए वक्त नहीं है और अंजू कहती थी कि राजेश खन्ना पुराने विचारों के, और विचारों में भिन्नता के चलते ही अंजू काफ़ी परेशान रहती थी। जबकि राजेश खन्ना उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन अंजू इस फैसले को टालती रही। अंजू को राजेश खन्ना की टोकाटाकी पसंद नहीं थी और राजेश खन्ना की अगर कोई फिल्म हिट नहीं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे, ये कहना था अंजू का। और इसका असर उन दोनों के रिश्तों पर पड़ता था। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई और रास्ते अलग अलग हो गए। फिर कहते हैं कि अंजू ने क्रिकेटर गैरी सॉबर्स से सगाई रचा ली और इसी वजह से राजेश खन्ना काफ़ी परेशान थे और वो इस जुदाई को पचा नहीं पाए। और अंजू से बदला लेने के लिए उन्होंने अपने से कम उम्र की डिंपल कपाड़िया से जल्दबाजी में शादी कर ली। शादी के समय जब बारात निकली तो वो भी अंजू महेंद्रू के घर के सामने से उसको जलाने के लिए। वैसे राजेश खन्ना और डिंपल का रिश्ता भी काफ़ी तलखियों से भरा हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में दोनों राजेश खन्ना के साथ थी। राजेश खन्ना असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, उनसे कोई चाहकर भी नफरत नहीं कर सकता था और उन्होंने अपना निजी जीवन भी एक सुपरस्टार की तरह जिया है। तो दोस्तों, राजेश खन्ना के रोमांस के और भी कई किस्से हैं जिन पर हम लोग अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।